हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। स्ट्रेटनिंग को लेकर काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और थैंक यू फॉर द कमेंट्स। और इधर मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़े हैं, तो थैंक यू फॉर दिस। तो आज का सेशन है स्ट्रेटनिंग को ही लेकर, लॉरियल प्रोफेशनल स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसमें बेसिकली किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितने सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये सारा डिटेल मैं एक साथ आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। और हाँ, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉरियल प्रोफेशनल में किस तरीके का स्ट्रेटनिंग क्रीम आता है, क्या न्यूट्रलाइज़र आता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, और भी इसके अलावा कौन कौन से और एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसमें इसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। ये है स्ट्रेटनिंग का कंप्लीट सेट और ये है लॉरियल प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स। लॉरियल प्रोफेशनल का जो स्ट्रेटनिंग सेट आता है वो एक्सटेंशो के नाम से आता है। जैसे आप हर प्रोडक्ट पे आप देख पा रहे होंगे एक्सटेंशो लिखा हुआ है, तो ये एक्सटेंशो फैमिली आप इसको कह सकते हैं, एक्सटेंशो रेंज आप कह सकते हैं। तो ये लॉरियल का स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग या स्मूदनिंग का ये प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट है, जैसा कि हमेशा मैं वीडियोज़ में बताते रहती हूँ, स्ट्रेटनिंग के लिए दो मेन प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटनिंग क्रीम, जो कि बॉन्ड पे जाके काम करता है और जो भी हेयर का जो नेचर है या जो शेप है उसको चेंज करने में मदद करता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्रीम, इसी को फर्स्ट क्रीम कहा जाता है। बट इसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हेयर और एक और होता है रेजिस्टेंट हेयर। ओके, अब दूसरा जो मेन क्रीम होता है नंबर टू, ये नंबर वन हो गया, अब ये नंबर टू क्रीम हो गया। तो ये कौन सा क्रीम है, कौन सा प्रोडक्ट है? तो ये है एक्सटेंशो का न्यूट्रलाइजिंग। शायद आपको पिक्चर में क्लियर नहीं आ रहा होगा बट मैं यहाँ पर वर्बली बताने की कोशिश कर रही हूँ, न्यूट्रलाइजिंग स्ट्रेटनिंग क्रीम। तो इस तरीके की ये कुछ पैकेजिंग में आता है, ये बॉटल्स में आते हैं, हालांकि इनके छोटे पाउचेस भी आते हैं, छोटा छोटा पाउच, लगभग इतना साइज़ का छोटा पाउच आता है। ओके, तो और इसी पाउच, ऐसे ही पाउच में न्यूट्रलाइज़र भी आता है, तो मैंने उसको कभी नहीं लिया है, कभी अगर मौका मिलेगा मैं लूँगी तो उसकी भी पैकेजिंग मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो पहले तो आता था, मैंने देखा ज़रूर है बट मैंने कभी लिया नहीं, क्योंकि सैलून पर्पज़ से लेना होता था तो मैं हमेशा जो बड़े पैकेजिंग वाले जो सेट होते हैं वो मैं अक्सर लिया करती हूँ। तो ये बड़ा ही सेट है ये एक्सटेंशो का। ये हो गया एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट जो कि फर्स्ट क्रीम है, और ये हो गया न्यूट्रलाइज़र जिसको न्यूट्रलाइजिंग स्ट्रेटनिंग क्रीम भी कहते हैं, इसको फिक्सर भी कहते हैं, मतलब हेयर को फिक्स करने का जो प्रोडक्ट होता है वो यही होता है। तो दोनों ही बहुत ज़रूरी है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर नहीं है तो आपकी स्ट्रेटनिंग नहीं होगी, वो अधूरी है, फिर नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, अब इन दोनों के साथ, चूँकि आपने मेरा वीडियो देखा है, अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इन दोनों के अलावा भी मैं और भी कई प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो कि लॉरियल के एक्सटेंशो फैमिली का ही होता है, लेकिन और भी कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो कि इसमें ऐड करती हूँ, ऐड ऑन करती हूँ अलग से। तो वो क्या होते हैं, वो है ये शैम्पू। फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू एक्सटेंशो का, ये बड़ा वाला बॉटल है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ा बॉटल है, ये 1.5 लीटर का ये बॉटल आता है। तो ये सलोन रेंज के लिए ही स्पेशली डिज़ाइंड होता है। इसका छोटा रिटेल प्रोडक्ट भी आता है जो कि क्लाइंट्स को दिया जाता है आफ्टर केयर के लिए, पोस्ट केयर के लिए। ओके, ठीक है, ये हो गया शैम्पू। देन ये है मास्क, एक्सटेंशो केयर मास्क फॉर प्रो कैराटीन प्लस इंसेलिस, इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो ये मास्क है और ये है सिरम, एक्सटेंशो का सिरम। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं, और इस शैम्पू तो बिल्कुल यूज़ किया जाता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शैम्पू से ही स्टार्ट करना है, शैम्पू से हेयर वॉश हो गया, देन उसको आप 90% या 100% हेयर के अकॉर्डिंग ड्राई कर लेना है, देन उसके बाद आपको फर्स्ट क्रीम अप्लाई करना है हेयर के अकॉर्डिंग, या तो आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रीम लगाएंगे या फिर रेजिस्टेंट क्रीम लगाएंगे। ठीक है, तो हेयर के अकॉर्डिंग जाएगा। जब आप इसको रेस्टिंग टाइम देंगे फिर आपको वॉश करना होगा रेस्टिंग टाइम देने के बाद, तो वॉश के बाद आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है,
ये इसका काम सिर्फ फर्स्ट पहले ही होता है, शुरुआत में ही, उसके बाद इसका काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फिर इसका काम रहेगा। तो जब फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन होगा, रेस्टिंग टाइम देने के बाद फिर से जब वॉश करेंगे आप, तो मास्क की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मास्क एप्लीकेशन होगा, देन टॉवल ड्राई एंड 100% ड्राई के बाद आयरनिंग चलेगी। ओके, और आयरनिंग अच्छे से करना है, उसमें भी लगभग 30 मिनट या 45 मिनट तो ज़रूर लग जाते हैं अच्छे से करने में। और जब आप आयरनिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद जो लास्ट होगा ये न्यूट्रलाइज़र से लास्ट होगा। तो न्यूट्रलाइज़र करना है मतलब हेयर को फिक्स करना है, जो भी शेप आपने दिया है इसकी मदद से, फर्स्ट क्रीम की मदद से, उस शेप को आपको अब फिक्स करना है ताकि वैसे ही वो रहे। तो ये आपको फिक्सर भी आप इसको कह सकते हैं या फिर न्यूट्रलाइज़र भी आप इसको कह सकते हैं। तो दिस इज़ न्यूट्रलाइज़र। और जब आप न्यूट्रलाइज़र में भी 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है रेस्टिंग टाइम, और देन उसके बाद फिर से वॉश करना है नॉर्मल वाटर से, और उस वॉश करने के भी प्रोसेस में ये मास्क एप्लीकेशन ज़रूर होगा ताकि हेयर हमारा और अच्छे से प्रोटेक्ट रहे। हेयर मास्क क्यों यूज़ किया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए, एंटी ब्रेकेज प्रॉब्लम इससे दूर होता है। ओके, एंड एंटी ड्राइनेस भी के लिए भी होता है, मतलब ये ड्राइनेस को भी कम करता है। ओके, तो मास्क भी बहुत ज़रूरी होता है। बीच बीच में सिरम मैं बहुत यूज़ करती हूँ, लगभग 2 या 3 पंप ही मैं लेती हूँ, लेकिन बार बार इसका एप्लीकेशन मैं ज़रूर करती हूँ। जब भी हीट प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, जैसे अगर ड्रायर यूज़ किया बालों को सुखाने के लिए, तो उससे पहले आपको ये सिरम आपको यूज़ करना है लगभग 2 से 3 पंप, और पूरे हेयर पर आपको स्प्रेड करना है। अगर आप आयरन यूज़ कर रहे हैं तो आयरन के यूज़ करने से पहले फिर से आपको ये सिरम यूज़ करना है, और लास्ट में तो आपको सिरम लगा के ही आपको क्लाइंट को मतलब ये सर्विस का एंड करना होता है, ताकि ग्रॉसी रहे, शाइनी रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेटनिंग करने में ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर मैंने ग्लव्स भी रखा हुआ है, तो यहाँ ग्लव्स है ये, और ग्लव्स कम से कम एक पेयर तो ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन आप 2 पेयर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन में आपको ज़रूरत पड़ती है, और देन अगर ये गीला हो जाता है ज़्यादा वॉश करने में, तो दूसरा पेयर आपको न्यूट्रलाइज़र के वक्त काम आएगा। हालांकि न्यूट्रलाइज़र के वक्त ग्लव्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी एज अ बिगनर हैं आप, तो आप ग्लव्स के साथ ही काम करेंगे, हाथों पर इरीटेशन कम होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत सेंसेशन पता चलता है, बट बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो फर्स्ट क्रीम के साथ तो मैं ग्लव्स लगाती हूँ, बट सेकंड क्रीम के साथ मैं ग्लव्स अवॉइड करती हूँ। मतलब मैं लगा भी सकती हूँ, नहीं भी लगा सकती हूँ, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होता। ये वाला जो फर्स्ट क्रीम है, स्कैल्प में टच नहीं होना चाहिए, स्कैल्प से यानी रूट से 1 इंच छोड़ के यूज़ होता है, और ये वाला तो पूरे हेयर में अच्छे से लगना चाहिए, छोटे छोटे हेयर भी टच होने चाहिए, है ना। नहीं तो फिर वो जो हेयर है वो हो सकता है कि बाद में वो मतलब इसके अंदर वो प्रोसेस ना हो पाए, तो बाद में वो हेयर फॉल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है, और ये तो है ही। तो इस तरह से ये कंप्लीट सेट है जो कि मैंने आपको आज दिखाया। अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, मेरी ऑफलाइन जो स्टूडेंट है खुशी, वो भी यहाँ पर सुन रही हैं। मैं थोड़ा सा क्लिपिंग में आप दिखा रही हूँ, ये हाय खुशी, हेलो, ठीक है। तो ये भी सुन रही हैं इन सारी बातों को और सीख रही हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं कॉन्टैक्ट नंबर इसमें शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।